नमस्कार, न्यू टीवी सिवान में आपका स्वागत है और मैं हूं नितिन। आज हम पहुंचे हुए हैं भगवानपुर प्रखंड के पनियाडी गांव में, जो कि सराय परौली पंचायत पड़ता है। आपको हम बता दें कि आज यहां एक ऐसी घटना घटी है, एक दुखद घटना घटी है, जिसको लेकर यहां जो सड़क है, उस सड़क को यहां के जो स्थानीय लोग हैं उसे जाम कर दिया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दोनों साइड सड़क को जाम किया गया है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह रोड के बीचों बीच में बैठकर और प्रदर्शन कर रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन सी यहाँ के लोगों की समस्या है। इसको जानने के लिए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात भी करेंगे और भगवानपुर प्रखंड की जो भगवानपुर थाना है वो भी आ चुकी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है यहाँ। हालांकि उनसे बात करने के पहले आपको हम बता दें कि सूरत में काम करता था और वहां उसकी मर्डर कर दी गई है, हत्या कर दी गई है और उसी को लेकर यहां जो लोग हैं वो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इस घटना में पूरी सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है, इन सभी सवालों के जवाब हम यहां के कुछ स्थानीय लोगों से जानेंगे और चलते हैं यहां कुछ लोगों से बात करते हैं। जिसका मृत्यु हुआ है उसे आपको? मैं पत्नी है। नाम क्या हुआ? मेरा लालमती नाम है। पनियाडी घर हुआ? हाँ। ये बताइए कैसे घटना घटी है? घटना घटी है जो हमारा से मेरा आदमी कह रहा है जे हम रोटी बनावत रहनी तो पीछा से आके आके मार दे रहा। नाम धोके लाल बाबू मार दे रहा हमारा आदमी के। हम मार के ओकरा बाद से हॉस्पिटल ले गए और पूरा लैटरिन कह के भर दे रहनी। इतना ना मार मरले रहना नटी दाब दाब के। आप लाल बाबू का नाम ले रही हैं, लाल बाबू मातो ने आपके पति पर हमला किया था। हाँ। क्या पहले दुश्मनी थी क्या कोई? आगे से दुश्मनी नहीं है उकरा बस। अब हम क्या जानता है, अब घर हम बनी तो हम कुछ नहीं जानता है। अब इतना बात मेरा आदमी कह रहा है। आपने कहा कि दुश्मनी भी नहीं है तो फिर कैसे हमला कर सकता है भाई का? उसको लड़की भाग रहा है तो मेरा हमारा लड़की भागल उनको लड़की भागल तो मैं हमारा लड़का का दोस्त का तो उनको लड़का भगा दे हमारे लड़का घर पर पूरा पहुँच जानते जो हाँ हमारे लड़का घर पर। मतलब मतलब आपका कहने का मतलब ये कि प्रेम प्रसंग का मामला है? हाँ। क्या लगता है कि उन्होंने आपकी बेटी की हत्या की है पति की? हाँ, हाँ। लगता है। कहाँ है वो इस समय? कहाँ है वो? लाल बाबू कहाँ है? भाग गया है। भाग गए हैं। ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पर बैठी हुई हैं, चारों तरफ से सड़क को जाम कर दिया गया, घेर दिया गया है। हालांकि क्या चाहती हैं प्रशासन से, सरकार से? न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हाँ, जान के बदला जान चाहिए, दूसरा कुछ न चाहिए, ये चाहिए। प्रशासन आई हुई है? हाँ। तो प्रशासन से आपने कुछ कहा? न्याय मांगा है। मामला ये है कि एक लड़का हमारे गांव का नंद जी यादव को ले गया कमाने के लिए सोलापुर, वहां ले गया और उसी पे आक्रमण किया, उसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद स्वयं हॉस्पिटल में ले गया और बॉडी ले के आ रहा था, रास्ते में गाड़ी से कूद के भाग गया। तो यही चाहिए, गरीब परिवार है, इनको न्याय चाहिए। घटना कहाँ हुई है? घटना हुई है सोलापुर। मृत्यु हुई है वो कहाँ है? वो इसी गांव का है, पनियाडी का। मारने वाला भी पनियाडी का है। बच्चे के पिता माता का क्या नाम है? वो बच्चे जो मरा है उसका नाम नंदजी यादव है, उसके पिता का नाम बिजली यादव है, जो ये नहीं है। कैसे मृत्यु हुई? वो जो ले गया था उसको कमाने के लिए, उसी ने उस पर आक्रमण किया, उसके साथ घात किया और खाना बना रहा था, मारपीट के बेहोश कर दिया, यही पीठ पीछे वार किया। जैसा कि देखा जा रहा है आज की इस पनियाडी में काफी भीड़ लगी हुई है जी, चारों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है। जी जी, क्यों बंद किया गया? बंद कर दिया गया है कि हमारे ही गांव के दो लड़के सूरत की किसी टाउन में कमाने के लिए गए और दोनों प्रेम से गए और एक ही संग और दो एक रूम में सिवान का दो लड़का, चार एक रूम में रहते थे और सब लोग एक ही फैक्ट्री में काम कर रहा था। काम करने के बीच में क्या उन लोगों को हमारे गांव में दोनों लड़कों को बीच में टेंशन हुआ इस जो नंद जी था खाना बना रहा था, रोटी पका रहा था वो, और रोटी पकाने के समय में लाल बाबू महतो
आया और उस कमरे में ढूक कर वो चूल्हा में के अथी से लकड़ी से वार कर दिया, वो उठा आ उसको पीठ से मारने लगा। मारने के क्रम में वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वही चारों लड़का वो दो सीमान के थे बाहर थे और फिर फोन किया और उसको हॉस्पिटलाइज क्या ले गया देहाती है मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट कराया फिर ठीक हो गया। आया डेरा पर अपना जो भी उजाया खाना पीना दवा पीया खाया। उसके दूसरे दिन वो अपना पड़ा रहा। अब पड़े पड़े शाम को फिर उसको बेहोशी होने लगी। अब बेहोशी जब हुआ तो ये चार तीनों आदमी हम आवाज हम तीनों आदमी वो लेकर हॉस्पिटल गया। प्राइवेट हॉस्पिटल तीन वो कह रहा था सिवान का लड़का, हम सिवान के लड़का से पूछे जो उसमें रूम पार्टनर है वही बताया कि इस तरह का घटना घटी। जब हॉस्पिटल ले गए कोई हॉस्पिटल नहीं लिया पानी नहीं चढ़ा तब सरकारी हॉस्पिटल उसी कोलापुरी कहाँ जगह है वो हॉस्पिटल हेलो हॉस्पिटल में ले जाकर आऊ एडमिट कराए। एडमिट कराने के वक्त से माने बुधवार को एडमिट कराया। हमको उम्मीद है कि सोमवार को रात में घटना घटी और बुधवार से शुक्रवार को मरने के वक्त एक बार उठकर बोला है बेहोशी। आप बेहोश होकर अपने परिवार से का बतियाया का नहीं बताया वो नहीं बता रहा है। इसी क्रम में हम पूछे उस सिवान वाले लड़का से कि भाई कुली कागजात कहाँ है तो कागजात से मैं कहा कि हम तो सरेथी हैं काम कर रहे थे लेकिन लाल बाबू जो मारा है वही कागजात लेकर लेकिन हम मुड़ी वाला है डॉक्टर से जहाँ होता है हाँ उससे पूछे तो वो कहा कि पैखाना हो रहा है जो अब चोट जो है इसके दिमाग में इतना डर हो गया है कि इसका डर से उसका पेट झर रहा है। वो कह रहा था लड़का अदंग से डॉक्टर बोला है आ यही कहकर हम उसे पूछ कर आ यही सब न्यूज है। अब लाश आ रहा है हमारा वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। दो घंटा में एम्बुलेंस बुलाकर डॉक्टर से मिलकर आओ लाल बाबू आइए कागज ले लिया सब और रास्ते में संग लेकर लाश लेकर आ रहा था देवरिया या कानवा किसी टाउन के सामने वो गाड़ी रुकवा कर अपने उतर कर कागज लेकर अब क्या किया जला दिया कि फाड़ दिया कि क्या किया एगो अब कौन कागज दिया है कौन नहीं दिया है थाने पर आरोप लगा रहे हैं लाल बाबू से। हाँ हाँ कौन है महतो है इस गाँव का महतो है धानुक है उसी का पड़ोसिया है नंदलाल का घर पड़ोसी है करीब करीब 100 मीटर को 100 मीटर नहीं है 50 मीटर दोनों का दूरी घर है। कैसे आप अंदाजा लगा रहे हैं कैसे आपको पता है कि हालांकि उन्हें नहीं मारा। हाँ ये लोग उनके परिवार से लोग फोन से बात हुआ नंद जी अपने परिवार गांव के लोग किए हम उससे उस लड़के का नंबर लेकर जो सीमान वाला है वो हमको जो हम जो बयान दे रहे हैं उस वही वो बयान दिया है हमको बताया है कि इस तरह का चाचा बात हुआ है हम कहीं भी ले जाइएगा हम कहने के लिए तैयार हैं। अवधेश सिंह सरपंच हमारा राजकिशोर सिंह नाम हुआ। मामला तो यही है कि न्याय मिलना चाहिए उनको पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम का जो भी रिपोर्ट आता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कहता ये कि आज आप पनेरी में आए हुए हैं और यहाँ काफी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क को जाम किए हैं मामला ये जी कि जैसे कि हम लोग को सूचना मिली थी एक इसी गाँव के पनेरी निवासी एक नंद जी यादव और एक लाल बाबू महतो जो 2 महीना विगत पहले यहाँ से सूरत काम करने के लिए गए थे। सप्ताह भर पहले नंजी यादव अपने जो वहाँ सूरत में गुजरात में जो अपना कुछ आवासीय कमरा वगैरह लिए तो उसमें खाना बना रहे थे रोटी बना रहे थे किसी बात को लेकर मतभेद के लाल बाबू महतो के द्वारा उसे सर पर डंडे से वार किया गया या किसी चीज़ से वार किया गया जिससे उसको हेड इंजरी हो गई। लोगों का स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि उन लोगों के द्वारा जो उनके साथ उपस्थित थे लाल बाबू महतो या अन्य दो और व्यक्ति भी तो उन लोगों के द्वारा उसको विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाया गया। शायद बृहस्पतिवार से ऊपर उसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी लोग यहाँ लेकर आए इन लोग को न्याय का मांगे कि सर इसका प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए चूँकि घटना यहाँ का नहीं है
घटना चूंकि सूरत का है, हम लोग इसका विधिवत पोस्टमार्टम करवा के जो इसका फर्द बयान या लिखित लिख लोग देते हैं उसको हम FIR रजिस्टर करवाने के लिए बड़े पुलिस पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करने के बाद हम लोग कंसर्न थाना को भेज देते हैं, वहाँ पर इन लोग का प्राथमिकी दर्ज हो जाएगा। हाँ सर, अभी जस्ट आप लोग के पीछे देखे डेड बॉडी अभी आया है। जो जाम लगी हुई वो क्या हुआ? जाम तो इन लोग बिल्कुल खाली करते हैं, इन लोग को जो मांगे हम लोग मान में लिए हैं, ताकि जो लोग साथ दुख है कि इन लोग का माते पोस्टमार्टम कराया जाए, तो 100% हम लोग का काम है, हम लोग पोस्टमार्टम करा देते हैं, लोग मान भी गए हैं, सब ठीक है। नहीं तो पुलिस अपने विधिवत जो काम करेगी, FIR दर्ज के बाद जो विधिवत प्रोसेस होता है वो लोग करेगी, ठीक है। हाँ पंकज कुमार, भगवानपुर थाना अध्यक्ष। देखिए हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए हैं, हम हैं थानाध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी प्रशासनिक हैं अधिकारी हैं पदाधिक पुलिस बल हैं सारे आदमी यहां पर एकजुट हुए हैं, और यही हम लोग को पता चला कि सूरत में लड़का काम करता था किसी के द्वारा जो उसको जो है मार दिया गया है ना, तो अब जो घटना घट चुकी है उसके लिए जो न्याय हम लोगों के तरफ से होना है निश्चित रूप से न्याय उस व्यक्ति को मिलेगा, है ना। अभी हम लोग लाश का इंतजार कर रहे हैं, लाश जैसे आएगा उसका ले जा रहे हैं, अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगा, लाश आ चुकी है, आ गई है, लाश नहीं खोना चाहिए ना वैसे रहने दीजिए, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग ले जा रहे हैं, और पोस्टमार्टम में जिस तरह का जो भी किसी तरह से आप पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि उसको किस तरह से हत्या हुई है क्या है, तो पोस्टमार्टम हम लोग करवा देते हैं, पोस्टमार्टम कराने के बाद में जिस तरह का उसमें रिपोर्ट निकलेगा उसके अनुसार उसको उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि घटना घटी है दूसरे जगह, हमारे स्टेट में घटना घटी नहीं है, है ना, तो वहाँ पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर पोस्टमार्टम करा कर करके हमारे थाना अध्यक्ष जो है वहाँ पर जो है FIR के लिए अपना चौकीदार होंगे चाहे जो भी होंगे पुलिस बल होंगे वहाँ जा कर के भेज देंगे, चूँकि घटना घटी है दूसरे स्टेट में घटी हुई है, और जहाँ तक हम लोगों का सहयोग करने का होगा वो सहयोग करेंगे। मेरा नाम योगेश दासवा, अंचल अधिकारी भगवानपुर हाट। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बात किया जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रशासन से बात किए, हम आपको बता दें कि जो भगवानपुर के थाना प्रभारी पंकज कुमार हैं वह आए हुए हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं, कई बड़े बड़े और भी लोग यहाँ पे हैं, सभी से हमने बात किया और सभी ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आप हमारे न्यूज़ TV सिवांचल के माध्यम से इस खबर की पूरी सच्चाई जान सकते हैं, इसी तरह की लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ TV सिवान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई हम ताज़ा नई खबर की अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखते रहिए न्यूज़ TV सिवान से, संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।